करनाल के लघु सचिवालय के बाहर पेंशन बहाली संघर्ष समिति की ओर से एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों द्वारा सरकार द्वारा नए नियम के तहत नई भर्तियों में पेंशन देने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है, उसकी बहाली को लेकर भूख हड़ताल की गई व धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई और कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वह संघर्ष को और तेज करेंगे और सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनको भी पेंशन दे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। यहाँ हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा नए नियम के तहत सरकारी नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद पेंशन बंद कर दी गई है, जिससे कर्मचारी परेशान दिखाई दे रहे हैं और सरकार के इस फैसले को तानाशाह फैसला बताते हुए दोबारा से पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारी सर एक ही मांग है कि हमें हमारी पुरानी पेंशन दी जाए, जो कि हमारा कर्मचारियों का जायज हक है। कौन कौन से डिपार्टमेंट से हो, कहां से हो? ये जितने भी कर्मचारी 2005 के बाद के लगे हुए हैं सभी एनपीएस के अंडर आते हैं, कि जो जो कि हमारे अधिकारों पर कुठारा घात है, ये सभी कर्मचारी आज अपनी पुरानी पेंशन मांग के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मांग नहीं मानी जाती तो क्या एक्शन लेंगे आप? मांग जो भी सरकार होती है उसका मुख्य कार्य होता है जनमानुष के लिए काम करना, आम जनता की भलाई के लिए काम करना। वे कर्मचारी जो जनता के, जो सरकार की हर नीतियों को जनता तक, जन जन तक पहुंचाते हैं, हम मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन करते हैं कि वो हमारी इस जायज मांग को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। अगर नहीं पूरा करते हैं तो लाखों कर्मचारियों का जो विरोध है उन्हें आने वाले इलेक्शन में झेलना पड़ेगा। जी मैडम, क्या बोल रहे हैं सर? आज हम अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रांत में एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं और मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जब एमएलए एमपी जो कि ये राजनेता हैं, मिनिस्टर हैं, जन सेवा की भावना से राजनीति में आते हैं और हर बार के इलेक्शन, हर बार की एक पद के लिए एक पेंशन ले लेते हैं, तो कर्मचारी जो कि अपने जीवन का कीमती समय देश सेवा को समर्पित कर देता है, उसकी पेंशन पर कुठारघात करना कहाँ का न्याय है? मोदी जी कहते हैं कि मोदी है जी हैं तो मुमकिन है, तो मेरा निवेदन मोदी जी से है कि आप हैं तो हमारी पेंशन भी मुमकिन है। हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, आपकी नीतियों को यदि कोई असली रूप दे सकता है, साकार कर सकता है, तो वो कर्मचारी वर्ग है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी की बैकबोन है और यदि ये बैकबोन ही कमजोर होगी, दुखी होगी, तो कैसे देश चलेगा, कैसे समाज का उत्थान होगा, कैसे हम एक वेलफेयर सोसाइटी ला सकते हैं? समाजवाद ये कहता है कि सबका भला करें, तो हमारे अधिकारों के ऊपर कुठारघात करके सरकार अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए थपथपाती है मेजे, तो ये बात एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में न्याय उचित नहीं है, ये बात गलत है और हम इसी बात का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारी पेंशन मिले, पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है। सरकारी डिपार्टमेंट में कर्मचारी किस लिए आता है? अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आता है, और जब वही सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो सरकार से मेरा यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि कर्मचारियों की जो ये जायज मांग है, उनकी जो पुरानी पेंशन जो कि उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए, इसीलिए आज हम हड़ताल पर बैठे हैं। सर कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर कांता वर्मा मेरा नाम है और इस संघर्ष समिति की मैं एक जुझारू सिपाही हूँ और अपने इस संघर्ष के लिए मैं अपने बहन भाइयों के साथ हूँ और इसके लिए मुझे तन मन धन अगर कुछ भी समर्पित करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ये जिस टाइम पेंशन बंद करने का ऐलान हुआ था, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई, उस टाइम मैटर था सर 2006 में सरकार ने पॉलिसी बनाई कि 2006 और उसके बाद जो कर्मचारी लगेंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। उस समय तो हम पढ़ रहे थे, उससे पहले वालों को जितने भी कर्मचारी थे उनको तो पेंशन मिल रही है, फिर नई भर्तियां हुई, जब हम भर्ती हुए जो डिपार्टमेंट में आए, गवर्नमेंट जॉब में आए, तो तब हमें पता चला कि ये बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ किया गया है, तो तब से हम जागरूक हैं और पूरे देश में हमारी एक समिति बनी हुई है और हमारा एक ही नारा है कि हमें अपनी पुरानी पेंशन हर हालात में लेकर रहनी है।